बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेके आए हैं। उसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक कप हम ऑयल यूज़ करेंगे, एक बड़े साइज की प्याज काट ली है बिल्कुल छोटी छोटी, हरा धनिया, 3 सब्ज़ मिर्च, 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिलीज पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, ये देखें मेथी दाना 1/2 टेबल स्पून, 1 कड़ी का पत्ता ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून राई दाना ले लिया है, 1 टेबल स्पून ले लिया है जी खुश्क धनिया, और 5 टेबल स्पून हम बेसन यूज़ करेंगे, और 1 बड़े साइज़ का टोमेटो। ये जी आधा किलो दही ले लिया है हमने, उसको अच्छे से फेंट लिया। अब उसमें 5 टेबल स्पून बेसन की ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से इसमें मिक्स करके इसमें 2 लीटर कल की बनी हुई लस्सी डालेंगे। कल की बनी हुई लस्सी इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि थोड़ी खट्टी होगी और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा कड़ी का। इस तरह इसको मिक्स करके इसमें 2 लीटर लस्सी डाल देनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और सॉल्ट हम इस रेसिपी में बिल्कुल एंड पे डालेंगे। सबसे पहले हम लोग पैन में 1 कप ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे मेथी दाना और राई दाना। इसको थोड़ी देर भून लेते हैं इसमें से हल्की सी खुशबू आने तक। इसमें से हल्की सी खुशबू मेथी दाने और राई दाने की आ रही है। अब इसमें शामिल करते हैं प्याज जो कि हमने छोटी छोटी काटी हुई है। अब इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर लिए हैं। अब प्याज को थोड़ी देर ब्राउन होने तक भूनेंगे, लाइट सा ब्राउन करना है हमने। प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। इसको थोड़ा सॉटे करके इसमें हम लोग शामिल करेंगे टमाटोज। अब इसमें शामिल करते हैं टमाटोज, इसको 1/2 गलने तक भून लेते हैं। जी फ्रेंड्स, टमाटर हमारे 1/2 गल चुके हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच पानी के शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही इसमें ड्राई मसाला भी डाल देंगे, हल्दी मिर्च, कुछ धनिया, जीरा, और इसको मज़ीद थोड़ी देर भून के थोड़ी देर भून लेते हैं। अब जी इसमें लस्सी शामिल करते हैं। जी अब इसमें हम लोग साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि लस्सी फट ना जाए, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। जी अब हम तैयार कर लेते हैं पकौड़ों का मसाला। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं, सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, 1 चम्मच खुश्क धनिया, नमक हसबे ज़ायका, बेसन ले लिया मैंने 1 कप, थोड़ा सा मैं हरा धनिया यूज़ करूँगी, 1 टमाटो और 2 बड़े साइज़ के प्याज काट लिए हैं। मसाला बना लेते हैं जल्दी से। कढ़ी में बॉयल आना शुरू हो गया है, इसकी फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर लेते हैं हम। इसको हम 30 से 35 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं। बीच बीच में से चम्मच हिलाते रहेंगे। जी अब इसको पकने के लिए हल्की आंच पर छोड़ देंगे। 35 से 40 मिनट तक ये पकेगी और उसके बाद तैयार हो जाएगी। पकौड़ों का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले बेसन, इसमें डाल लेते हैं जी प्याज, जी फ्रेंड्स पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं।
और कढ़ी भी 15 मिनट तक पक चुकी है। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इसको मज़ीद 15 मिनट तक पकाएंगे। मैं इस कढ़ी में 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। आप हस्बे जायका टेस्ट करके मज़ीद नमक भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, कढ़ी 30 से 35 मिनट तक पककर तैयार हो गई है। ये देखें गाढ़ी भी हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पकोड़े और इसको ढक के छोड़ देंगे, आंच इसकी बंद कर देंगे। कढ़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब कढ़ी के ऊपर डालने के लिए मैं तड़का बना लेती हूँ। तड़का बनाने के लिए 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल लिया एक पैन में। अब इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा, कड़ी पत्ता और सुर्ख साबुत मिर्चें। इनको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे गोल्डन, ताकि इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। कढ़ी पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। इसको हम मकई की रोटी और लस्सी के साथ सर्व करेंगे। बहुत मज़ेदार ट्रेडिशनल डिश है ये हमारी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसे बनी है आपकी ये रेसिपी। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।